शादी समारोह में जा रहे बारातियों से भरा ट्रक पुल से नीचे जा गिरा। ट्रक में 30 से 35 लोग सवार थे। एक दर्जन भर लोगों की मौत की आशंका प्रशासन ने की, 5 की मौत की पुष्टि। कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। ग्वालियर से जतारा टीकमगढ़ जा रहे एक ट्रक आयसर लोडिंग वाहन जिसमें अनुमानित 35 लोग सवार होकर वैवाहिक समारोह में जा रहे थे। प्रातः 6 बजे दतिया जिले के ततिया अनुभाग थाना दुरसड्डा के ग्राम बुहारा के नजदीक एक नाले में बने रपटे से गुजरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक पुल से नीचे नाले के पानी में गिर गया। रपटे के ऊपर से अनुमानित आधे से 1 फीट के बीच पानी भरा हुआ था। रपटे के किनारे नाले में से 4 से 5 फीट पानी में गिरी। फलस्वरूप 3 बच्चे, 1 नौजवान और 1 महिला के इस दुर्घटना में गिरने के पश्चात पानी के बहाव में डूबकर मौत हो गई। अब तक 5 शव निकाले जा चुके हैं। परिवार के लोग एक अन्य व्यक्ति के गुम होने की बात कह रहे हैं जिसकी सर्चिंग चल रही है। कुछ लोग घायल हुए हैं जो खतरे से बाहर हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल दतिया में किया जा रहा है। कितने लोग गाड़ी में सवार थे उन लोगों की सही जानकारी नहीं दे पा रही है, क्योंकि अलग अलग स्थान से अलग अलग परिवार के लोग वाहन में सवार हुए थे। इसकी पुष्टि उनके निवास स्थानों में जाकर की जा रही है। मृतक के आरबीसी 6 से 4 के तहत पानी में डूबकर मृत्यु होने से उनके वारिसों को 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति सहायता दी जा रही है। इसके कारण घटी दुर्घटना। रपटे के बाजू में एक नया ब्रिज मध्य प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। निर्माण एजेंसी ने पुराने रपटे पर रोड डाइवर्ट किया हुआ है। मौके पर कोई साइन बोर्ड और रोशनी की व्यवस्था नहीं की गई थी, इस हेतु निर्माण एजेंसी और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। लोडिंग वाहन नदी में गिरने से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। मृतकों में 3 बच्चे, 1 महिला, 1 युवक शामिल है। घटनास्थल पर कलेक्टर संजय कुमार, एसपी प्रदीप शर्मा, एसडीएम ऋषि कुमार भांजेर, एसडीओपी कर्णिक श्रीवास्तव, रेस्क्यू टीम सहित प्रशासन टीम मौके पर पहुंची हुई है। वाहन में करीब 30 लोगों के सवार होने की जानकारी है। हादसे में कई लोगों की मौत हुई है। मृतकों के प्रति गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए राहत दिए जाने की घोषणा की है। बड़ी एक दुखद प्रसंग आज सुबह हुआ था। बुहारा गांव है और नदी का नाम भी बुहारा है। ग्वालियर जिले के बिलहेटी गांव के खटीक समाज के लोग जतारा टीकमगढ़ बिटिया को लेके शादी के लिए जा रहे थे। आईसर ट्रक था एक, जिसमें रपटे पैसे पहिया नीचे आने से पलट गया है। बहुत दुखद घटना घटी है। 5 लोग अभी उसमें काल कवलित हुए हैं, जिसमें से 3 छोटे बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। एक बेटा बड़ा है 15 साल का और एक बहन है, माता है 65-60 साल की। ये हुए हैं। सभी के जो घायल हुए उनके इलाज की चिंता दतिया अस्पताल के अंदर की जा रही है। ये सेवड़ा विधानसभा के अंदर ये जगह आती है। सभी का इलाज दतिया में हो रहा है। पहली प्राथमिकता इनके इलाज की और शीघ्र स्वस्थ होने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका संज्ञान लिया है, निगरानी रख रहे हैं। 4-4 लाख रुपया मृतकों को और घायलों को 50-50 हजार रुपया देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की।